हम फंसे हुए पानी के बीच में इस बहुत ही पुरानी राफ्ट पे और अगले 24 घंटे नहीं बल्कि 7 दिन तक हम यहाँ पे सरवाइव करने वाले हैं। लेकिन यार साजो मेरे तो सिर्फ हफ्ते द्वार को छुट्टी है। अरे यार कुछ नहीं होता यार, ले लेंगे छुट्टियाँ अब। वो सब तो छोड़ो, मुझे भी वॉशरूम जाना है। ओए अपनी तो बोट भी चली गई। 7 दिन तक सरवाइव करने के लिए हमारे पास यही सामान है गाइस, जिसमें आप सरवाइव करना। नहीं मेरी बात सुनो, सिर्फ यही सामान है, मेरे लेस वेस का है। ओ यार तुमने सरवाइव करना है या पार्टी करनी है तुमने फिर से? ये गाइस हम लोग थोड़ा कैंप वैंप पी ले। ये यार दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हमारे जलमी आर्मी की राफ्ट है यार, ये झंडा है हमारा। तो फिर झंडे का डंडा कहाँ है? ये रहा झंडे का डंडा। ओए गाइस हम लोग यहाँ पे देखे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी ले आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार सरवाइव करने के लिए लकड़ियों का होना बहुत ज्यादा लाजमी है। सरवाइवल के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, फूड, शेल्टर और फायर, जो कि तीनों हमारे पास मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे ना बैठने का यार, ये कोई कुर्सियाँ लगाओ डिस्पोजेबल वाली। भाई डिस्पोजेबल नहीं, फोल्डिंग है ये। फोल्डिंग और कुछ यार, मैं नीचे ही बैठ रहा हूँ। क्या मतलब नीचे यार, क्यों बैठ रहे हो यार? एटलीस्ट मेरे सर पे छत तो है, तुम लोग तो ऐसे ही यार धूप में बैठे हुए हो। ताना मारा है ना, बना के दिखाता हूँ तुम्हें। चल बहुत सारी लकड़ियाँ ले थे लेकिन कुछ सीधी गई गैस पानी में। तो पैर रखा, ये क्यों हो गया? ओए मेरे 500 रुपए गए। ये तो यार गैस, आज मैंने मेरी लकड़ियाँ भी तोड़ दिया। पहले हमारे पास था ये फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, अब हमारे पास आ चुका है टीम में नया टूल बॉक्स। हर जगह ये मेरी नाक कटवाता है, आज इससे मुहिब की नाक काट। ये तो कोई छुटा था, फिर आप लोग सब्सक्राइब किया तो ये वाला है। ये वाला है, अगर आप ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो बड़ा वाला आएगा, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पिलर, हमारी जिंदगी में भी और हमारे घर में भी। कि तुम ही तो हो जीने की वजह, कि बैठे बैठे कर ही दी सुबह, ना तू आया ना ही तेरा है पता। साहिबा मैं लेने आया हूँ तेरी खबर। हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे और अचानक से हमारी राफ्ट पे किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। ये गाइस शायद ये सामने इन आइलैंड से ये बत्तखें हमारे पास आई हैं। जल्दी से भाग रहे भाग रहे। उठा लेना मुझे, नीचे से पकड़ लेना। हट जाओ, खुद ही ऊपर चढ़ जाएगी। हट इधर, चप्पल भी हटाओ ना, बोलेगी यार ये तो बाहर जाने का रास्ता है। चलो चलो आराम से मुर्सलीन, आराम से आराम से आराम से। चलो चलो अगर तू सामने से गया ये भाग जाएगी, यहाँ से छत से जंप कर दे। इसको ये वाली बत्तख दिखाएंगे ना, ये उसकी बीवी है, वो वापस आ जाएगी। चलो बत्तख को पानी में पकड़ना बहुत नामुमकिन है भाई। इसका नाम अब से है चिंकी, इसका नाम है मिंकी। ये हमारे साथ यहाँ पे चिल करेंगे गाइस। ये दोनों जंगली है, इनको एंजॉय करने दो मुझे अपनी जिंदगी में। हमारे नए मेहमानों को जब पता चला कि हम खाने के मामले में इनसे ज्यादा कंगले हैं, तो उन्होंने दोबारा अपने घर यानी कि आइलैंड की तरफ जाने का फैसला कर लिया। हम लोगों ने मजाक कर लिया बस, बहुत है ना यार, खुद खाने को है नहीं इनको कैसे। वैसे ये हलाल है, हम चाहे तो हम इनको खा भी सकते हैं, पर हम आज की रात सरवाइव करेंगे, बर्दाश्त करेंगे अपने भूखे पे। यार भूख लग गई यार, अबे बकवास मत करो, अभी इसको प्यार हो रहा होता उनसे, अभी इसको भूख लग गई। ये बॉडी बिल्डर, इसने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है, इसने बत्तख के साथ रेस लगाई, आप सोच सकते हो ये बात। और यार देखो नीचे से पकड़ा आपके भाई ने, मानते हो कि नहीं मानते? मैं बता रहा हूँ गाइस, पकड़ने में आज भी प्लास दूसरे नंबर पे। ये देखे गाइस मास कहाँ बैठा हुआ है, और हमारी छत जो है वो उड़ रही है क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज है। इसको पकड़ के रखो मास, अपनी टांग से मुर्सलीन को फंसा के रखा हुआ है इसने। मैं ही मुर्सलीन को पकड़ लूं, देखो। हाँ पकड़ ले पकड़ ले। क्या किया? पहला दिन तो यहाँ पे बहुत सुकून से गुजर गया, पर आगे ऐसे आंधी और तूफान आने वाले थे कि हमारा यहाँ पे सरवाइव करना इम्पॉसिबल होने वाला था। पाल जो है ना बहुत परेशान कर रहा है, तो बता हमारे चिंकू वापस आ चुकी है, चिंकू आ गया, पिंकी है ही नहीं गाइस। छत को कंप्लीट करते करते पूरे तरीके से रात हो गई थी, तो हमने सोचा कि बाकी का काम हम कल करेंगे। समंदर का सबसे बड़ा मसला ये है, आपको कुछ करने को नहीं मिल रहा होता। मुश्किल आ गया यार। शेल्टर हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपने लिए बना लिया है, क्योंकि नहीं हो सकता था हमसे, इतनी जल्दी कुछ नहीं बन सकता था। और फायर जो है वो हमारे पास अब नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम इंतजाम करेंगे। नहीं फायर तो हम लोग कर लेंगे, कितनी लकड़ी हमारे पास, कुछ भी जला लेंगे, आग लगाएंगे, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर पहले मेंटेन हो, फिर दिमाग का मेंटेन करें। सर्दी से बचने के लिए हमें आग की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर सबसे बड़ा खतरा ऐसा कि हमारी पूरी राफ्ट ऐसे प्लास्टिक के ड्रम से बनी हुई थी जिनमें आग लग सकती थी और हमारी पूरी राफ्ट जल सकती थी। ना ना ए, नहीं नहीं अंदर नहीं रख, फिर लकड़ियाँ कैसे जलेंगी? वही यहाँ लकड़ियाँ जला वो अंदर गिरा देंगे। आग पे पकाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हम आदिवासी होते तो मुहिब को पका लेते, पर ऐसा नहीं हो। पानी लाओ, आग को थोड़ा कम करो मास।
इतनी आग सही है, इतनी सही है। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि यार शायद भाई आप वीडियोस बहुत ज्यादा लेट डालते हो, तो मैंने सिर्फ अपनी जलमी आर्मी की खातिर 7 दिन लगातार 7 वीडियोस आएंगी। ये तो अभी डे 1 चल रहा है ना। सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि कोई भी वीडियोस तुम लोग मिस ना कर सको, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि तुम्हें पता चलता रहे कब वीडियो आई। गाइस कोई भी पार्ट तुम लोगों ने मिस नहीं करना, क्या पता मैं मुहिम को पानी में अगले पार्ट में गिरा दूं या फिर आग में गिरा दूं। क्या फायदा, फेंकी तुम मुझे यार, ना खाने को छत है ना पीने को, खाने को छत बोल दिया। लीडर ऐसा होना चाहिए ना जो सारे सबके सबसे काम करवा। यार भाई मैं कैप्टन बनूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा लीडर हूँ। जिसने गलत काम किया, जिसने मेरी बात नहीं मानी, सीधा उसको यहाँ से धक्का दूंगा और जान से। चलो वोटिंग करते हैं भाई, क्लियर कट बात है। गाइस जो पुगम जीतेगा वो कैप्टन बन जाएगा कल का, किसी का नहीं है। यार मैं बाहर हो गया, चलो मैं जा रहा हूँ। गमजदा शक्ल आपको नजर आ रही है, आज मैं चला जाता हूँ भाई। जो हमारे साथ कल होने वाला है ना, कल सुबह तुम सबको सुबह 6 बजे उठना होगा और सैल्यूट। अभी कैप्टन नहीं है, अभी नहीं है कैप्टन गाइस, पहले अच्छा, ये चाह रहे कि मैं कल चप्पल बदला लूं। मेरी जगह कल के कैप्टन का ख्याल रखा जा रहा भाई, खाने को कुछ ढूंढो। शाबाश। पूरा दिन हम लोगों ने वॉशरूम सह लिया कि यार हम नहीं कर रहे थे, कोई जगह नहीं थी, सबके सामने तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी कोने पे अपने लिए वॉशरूम बनाए, क्योंकि 7 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है, कम टाइम नहीं होता। मोहित तो क्या तुम कंफर्टेबल होगी इस वॉशरूम में? हाँ यार, लेकिन अगर इधर टब लग जाए वो बड़ा सा, तो फिर नहा भी लूंगा। यार ये क्या है यार, ये तो हवा चलेगी सब देखेगा। अरे तो कौन सा तुमसे, तुम्हें कोई देखना ही नहीं चाहता। अगर इस वॉशरूम में कोई भी बंदा होगा तो दूसरा बंदा ऊपर नहीं चढ़ सकता। यहाँ से गाइस वॉशरूम एक पूरी खुली किताब बना हुआ है। लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। अरे यार तुम कैसे जा सकते हो यार, कोई यहाँ बैठा होगा, तुम कैसे जाओगे? खैर है भाई, बच्चा हूँ। वॉशरूम से गाइस एक पर्दा बच गया था, सर्दी लग रही है इसमें, गर्मी है अंदर, गर्मी लग रही है भाई। यहाँ पे सोने में मजा आ जाएगा, पर आपको पता है सर्वाइवल वीडियोस में मुझे नींद नहीं आती, पर वो 24 घंटे की होती है। मुझे बहुत आती है, मैं सो रहा हूँ। सीधा समंदर तुम लोग समंदर के ऊपर लेटे हो भाई, ये तो हमने भाई नॉलेज में इजाफा कर दिया। हमारे नीचे पानी की गहराई ऑलमोस्ट 200 फीट थी, तो हमारा एंकर वहाँ पे टच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी बोट बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट कर रही थी और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि हम कहीं दूर ही ना चले जाएं। गाइस मोहिब वो रहे, मोहिब लोग सो रहे, ठीक है, आग लगी हुई है उनकी। मैं ऊपर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि राफ्ट किस तरफ ड्रिफ्ट करती है। मैं थोड़ी देर इसको एनालाइज करूंगा, क्योंकि अगर ये रॉन्ग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करती हुई निकल गई ना कहीं पे, कहीं हम लोग खुले समंदरों में ना चले जाए, इसलिए फड्डा चले नीचे नीचे नीचे। ये धुले हुए कपड़ों में से निकली है वॉशिंग। एक घंटे से गए जिस चीज के लड़ रहे थे वो धुली हुई थी एक बार। इसकी खुशबू ऐसे नहीं आती, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। आ रही है, खोलो आंखें। आग बुझ गई है गाइस, और पहला दिन था हमारा, तो इसलिए मेरे पेट में भी थोड़ी बहुत एनर्जी थी, पुराना खाना पड़ा हुआ था, और इनके पेट में भी तो नींद आ गई, वरना भूखे पेट नींद नहीं आती। अच्छा मैंने वॉशरूम बनाया था, मेरे पास अभी कोई चादर वादर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ओह भाई गुड सीन है भाई, यहाँ पे तो हवा लगी नहीं रही है, देखिए मतलब हवा सारी ये रोक रहा है और वैसे हवा नहीं लग रही। फाइनली गाइस डे 1 कंप्लीट कर दिया है, अब मुझे भी नींद आ रही है, पर आपने अपने कल की वीडियो मिस नहीं करनी। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा हमारा कि 7 दिन 7 जलमी प्लेस पे वीडियोस आएंगी, जो कि 7 साल में भी नहीं होना था, पर ये सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने किया है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अभी मैं सो रहा हूँ, सुबह उठेंगे, आप भी सो जाओ, सुबह उठोगे कल की वीडियो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जलमी आर्मी, कल क्या होगा जानने के लिए देखिए जलमी प्लेस, सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखिएगा जलमी आर्मी, ओके बाय।